top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कर रखे हैं, उनके नहीं उतारे मीटर, हमारे उतार दिए, उनके मीटर नहीं उतार रहे हैं। कैमरे की तरफ देखना। हाँ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जुबेर खान नाम है, लखनऊ का रहने वाला। जुबेर जी, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या मामला है जरा बताइए। सर, मामला हमारा ये है, एक साल पहले इन लोगों ने हमें कनेक्शन दे दिए थे, 5 कनेक्शन लगे थे, मीटर भी लगा दिए थे, मीटर के मुताबिक रीडिंग के मुताबिक हमारे बिल जमा होते रहे। इनका मीटर वाला आता था, वो रीडिंग निकाल के दे जाता था और हम उसमें बिल जमा करते रहे। एक साल बाद जेई साहब आते हैं और कहते हैं कि ये मीटर इलीगल हो गया, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री की फोटो कापी है। पप्पू प्रधान इलाहाबाद गांव के हैं, उन्होंने अपना लेटर पैड दिया है मुझे सर, उस पर उन्होंने चिन्हित किया कि ये इस कॉलोनी के रहने वाले, इनका मकान है। फिर ये लोग आते हैं, कहते हैं कि इलीगल हो गया है आपके कनेक्शन हमारे घर में, हम लोग ड्यूटी पे थे सर, तो ये हमारे कनेक्शन मीटर उतार लिए गए। मीटर उतारने के बाद में फिर इन्होंने एक नोटिस मुझे भेजी कि चोरी बचाओ अभियान के अंतर्गत इन्होंने गलत जानकारी दे करके कनेक्शन ले लिया, जबकि हमने कोई गलत जानकारी नहीं दिया है, क्योंकि इंसान झूठ बोलता है, हमारे रजिस्ट्री पेपर झूठ नहीं बोलते हैं। रजिस्ट्री पेपर जय साहब ने 5 कनेक्शन पे 75,000 रुपए लिए, 15,000 रुपए पर कनेक्शन लिया, फिर मीटर दिया। क्या कह के आपसे 15,000 रुपए लिए? आपके यहाँ अधिक दूरी है तो इसलिए आपकी ये लीगली नहीं है, फिर भी हम मीटर लगा लेंगे, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो 75,000 रुपए मैंने इनको दिए और कनेक्शन लगाए। एक इनका आदमी रहता है, उसका टीकम नाम है, वो 5 कनेक्शन के और पैसे लिए, 70,000 रुपए वो लेके इन्होंने भगा दिया। आज तक वो मेरा पैसा नहीं मिल पाया है, 70,000 रुपए टीकम और परवीन, दो लड़के यहाँ रहते हैं सर, उन दोनों ने लिया। जय ने फोन मुझसे किया कि जुबेर ये लड़के आ रहे हैं, इनको पैसे दे देना और कनेक्शन मैं कर दूंगा। इतने में एसडीओ साहब ने आपत्ति उठा दी कि ये इलीगल है, यहाँ कनेक्शन नहीं लगेंगे, तो मीटर उतार लिए मेरे। मीटर उतारने के बाद में जैसे ही मीटर सर उतार जाते हैं तो इन्होंने नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद में फिर हम बड़े अधिकारी के पास गए कि हम आज मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा लेंगे। कब गए थे, कब की बात? सर, डेट हमारी उसमें फाइलों में लगी सर, तो मैं गया था शायद जून में। तो फिर उन्होंने कहा, एक्सचेंज साहब ने कहा कि जुबेर परेशान न हो, तुमको हम लाइट देंगे, ये आपका अधिकार है और आपको लाइट देंगे, आपका एस्टीमेट बनेगा। एस्टीमेट के लिए 380 केवीए का ट्रांसफार्मर पास हो गया मेरा। पास होने के बाद में फिर अब ये वहां से स्वीकृति होकर के एक्सचेंज साहब के यहाँ से आ गई, और एक्सचेंज साहब के यहाँ से और एससी साहब के यहाँ से और एक्सचेंज साहब के यहाँ सेक्टर 18 से भी आ गई मेरी फाइल। उसके बाद फिर यहाँ आती है, एसडीओ साहब उस पर लिखते हैं जेई समिट फॉर एस्टीमेट। आज यहाँ पे त्यागी जी जेई है, जो एसडीओ साहब की सुनते नहीं है बिल्कुल भी, वो एस्टीमेट बनाने के लिए राजी नहीं हो रहे और मुझे पैसे प्रपोज किए कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, फिर हम इसमें एस्टीमेट बनाएंगे। हमने कहा सर, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पैसा नहीं है और इसका आप बना दीजिए, हम कॉलोनी वासियों से जो भी हो सकेगा आपके लिए करेंगे। त्यागी मुकेश त्यागी जेई है, इन्होंने मांगा सर। कब तक मीटर लगना था, कितना टाइम हो गया? ये सारे पेपर दे दिए हैं, ये सर हमारे पास है, एस्टीमेट का लेटर आ गया है मेरे पास, दिए भाई तो सर वो लेटर आ गया है मेरे पास, ये सिक्योर। ये रसीद कटी हुई है, ले भाई चाय पी। हालत खराब कर रखी है, हालत खराब कर रखी है। और क्या है, तू बहुत बड़ा मंत्री, तू एक्शन की बात कर, बात सुन मेरी, सुनो अरे मेरी बात सुन, अरे तू यहां पे सुनो मेरी बात, एक्शन मुझे पहनना, तो कैसे की तो गलती है, कुछ कह रहे हैं तुम जितना डाला मैं जानता हूं।
सुन, पहले मेरी बात सुन। तुम आज ये बहुत सुन मेरी बात। तुम क्या समझ रहे हो? अधिकारी है भाई मेरे पियो में ऑफिस। तू समझ क्या रहे? अभी हम दिखा देंगे तुमको। तुम कुछ नहीं मेरे। अरे कुछ नहीं तुम्हारा। ये जय साहब है, ये जय साहब आज हाथ पकड़ रहे हो। पागल बना दिया मेरा। हम तुम्हें समझा रहे हैं। एक साल से सर मेरा हमारे में चोर है। एक साल से मैं पूरा दौड़ रहा हूँ। आज ये हम पर गर्मी दिखा रहे हैं। एसडीओ हम पर गर्मी दिखा रहे हैं। एसडीओ की कोई बात नहीं है। अरे तुम मेरी बात सुन। मेरी बात तो सुन यार। अरे बहुत देर से इस बात को ना होगी। आज होगी बहुत। अरे सुन खुद है और तेरा बड़ा हम तेरा मना कर रहे हैं। अरे पैर में लग जाए। अरे तुझे पता है ठीक है मेरा 70,000 रुपए ले गया इनके आगे। 70,000 रुपए ले गया। 70,000 रुपए टीकर ले गया। ये परवीन तुम्हारा 70,000 रुपए रखा। तुमने कहा जी मेरे पैसे दो पैसे। तुमने 70,000 रुपए दिया। 70,000 रुपए मेरा मर गया था। 70,000 रुपए पूरा पूरा 70,000 रुपए टीकर लेके भाग गया। 70,000 और मेरे इन्होंने कहा दे दो। आप गलत बोले सर। आपकी बोला हर जगह के जो साहब तेज तरह हमारे हैं। तुम उस बात को कह रहे हो सर। आज हम पर तुम बड़ा अफसोस हुआ। आप बोले आपकी तो कोई बात ही नहीं थी इनका। आप सुना था 70,000 रुपए टीकम लेके चला गया। और इनके उसने कहा एक हफ्ता पहले तो कुटाता कि बदमाशी छोड़ो। क्या कह जी तुम काम करो। क्यों नहीं कहा क्या? अरे कल है टूटा। अरे वो तुझे कल भी कहा कि तुम कल बता रहे हो। तुम कल ने तुमने ये बताया एसडीओ लिख के देगा तो मैं करूंगा। बनाने तो लग रहे हो। कहां बना रहे तुम? बना कर रहता हो ना। तुम कंफ्यूज आदमी हो। तुम कंफ्यूज हो। तुम तुम्हें चाहिए 50,000 रुपए। तुम्हें चाहिए पैसा। तू हर तो डट। तू हर तो मेरी शिकायत करता। हट ले बता। तो ये बहुत बदमाश है। विनोद को शिकायत कर रहा था कि विनोद तुम लाइट उसकी काट रहे हो। तुम्हारी शिकायत चाहिए साहब। बैठ बैठ कुर्सी पे। चल वहां बैठ ना ना। आप चला चांदा। अरे मेरे पर पावर दिखा दिया एक बार। सारे पावर क्या है? मुझे मना नहीं है तो क्या है? काम तो अपने एक साल पहले दे देते हैं। हमने कागज नहीं दिए। क्या करें? कागज नहीं दिए। कागज नहीं दिए। पप्पू बटन नहीं दिए मेरा लेटर पे। तू क्या बोल रहा है? लेटर नहीं आता। कौन सी अथॉरिटी है? उठाने पहले भेजा जाता लेटर। तो हमें नियम बता रहा लेटर के क्यों उठा लाए मीटर पर? शांति से बात करो। किस बात के लिए पैकेज और आदमी कल को इलाज नहीं किया। मतलब पूरा इलाका घुमा कर रखा। सर क्या नाम है आपका? क्या पोस्ट है? अक्षय कुमार नाम है मेरा। मैं एसडीओ हूँ। सर अभी एक जुबेर खान आए थे सर। उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था। उनका कहना है कि एक साल पहले उनका किसी रीज़न से बिजली का मीटर ले लिया था। उसके बाद उनका अब तक नहीं लग पाया। क्या कारण सर? नहीं इनका कनेक्शन वो इलीगल था। इन्होंने दूसरी जगह दिखा करके इन्होंने कनेक्शन जब सेंक्शन कराया तो ये बताया कि मेरे ये मकान है नए गाँव में ये मकान है। लेकिन वहाँ इनका मकान नहीं था। इन्होंने उस मकान को या होगा मकान उस मीटर को अपने दूसरी जगह जो नई कॉलोनी थी जो मतलब डेवलप नहीं हुई थी उसमें वो शिफ्ट कर लिया। जब उसमें शिफ्ट कर लिया तो जब चेक किया गया तो पता लगा वहाँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं है। तब वो मीटर उखाड़ करके वो कनेक्शन इनका ख़त्म किया गया। जो कॉलोनाइजर था जिस कॉलोनी में उन्होंने मकान बनाया उसमें जब तक विद्युतीकरण नहीं किया जाता जब तक उस कॉलोनी में कनेक्शन दिया जाना संभव नहीं था। तो पीड़ित का ये भी आरोप है कि थोड़े दिन पहले ही सेक्टर 16 में जो अधिकारी बैठते हैं अधिकारी उन्होंने यहाँ पे सैंक्शन भी कर देते कि इनका मीटर लग जाना चाहिए तब भी नहीं, नहीं, नहीं एक्चुअली यही है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है वो काम को टालते जा रहे हैं। नहीं उसी बारे में बता रहा हूँ। एक हफ्ते पहले एसी साहब के यहाँ से हमारे एसी साहब बैठते हैं सेक्टर 16 में उनके यहाँ से इनकी कॉलोनी विद्युतीकरण के लिए सैंक्शन हुई। कॉलोनी में एक 380 मतलब आंशिक रूप से सैंक्शन हुई। उस कॉलोनी का एस्टिमेट बनना था। इस बीच में एस्टिमेट जब बनाया गया तो जुबैर का कहना ये है जुबैर ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ एक 400 KVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए और बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए। जबकि प्रोविज़न ऐसा नहीं है। जो प्रोविज़न जो हमारे जो नियम है HVDS सिस्टम जो है
उसमें ये है कि जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं वो लगा करके इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, इनकी जिद है कि मैं 400 केवी का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, जबकि वो कहना संभव नहीं है। जुबेर का ये भी कहना है कि जो त्यागी जी वहाँ के जेई हैं उन्हें 50,000 रुपये रिश्वत लेने की बात भी कही है, 50,000 रुपये सरकारी कर्मचारी पे एक आरोप लगाना ही वो है कि आरोप तो चाहे जब लगा दो उसका कोई है किसी के सामने मांगे क्या है, अगर मान लो किया तो लिखित में दे उसकी जांच की जाएगी। और साथ इनका कहना है कि 5 मीटर के 15,000 रुपए लिए थे उसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया। ये अगर मान लो ऐसी कोई बात है तो जिस समय 5 मीटर के 15,000 रुपए लिए थे तो उसकी सूचना इस ऑफिस में देनी चाहिए थी या बड़े अधिकारियों को देनी चाहिए। अब आप यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा, उन्होंने अपने आप पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की, उसके बाद आपने समझाया उनका क्या क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, एस्टीमेट बन रहा है, आज या कल में एस्टीमेट बन जाएगा उसका, उसके बाद वो पैसा जमा करेंगे, पैसे जमा करने के बाद उसको काम जो है जो मतलब किसी अपने आप करें या किसी ठेकेदार से हम लोग काम कराएंगे उसका, वो पैसा जमा करें।